Lord, take us to death. Lord, take us to death. Lord, take us to death. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। आज एक नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ आपका भाई दोबारा हाजिर खिदमत है। आज का व्लॉग जो है बड़ा स्पेशल किस्म का होने वाला है। वो यूँ कि हमारे बच्चों की फरमाइश थी कि जी सारे व्लॉग अकेले अकेले फोड़ें, क्योंकि आजकल व्लॉग मेरे खाने पीने के हो रहे हैं ना कुछ, तो बच्चों की फरमाइश थी कि जी भाई अकेले अकेले मत फोड़ो, हमें भी साथ फोड़वाओ। तो मैं सोचा, काफ़ी सोचने के बाद मैंने ये इरादा किया कराची के अंदर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मैं फोड़ भी सकूँ और जहाँ मैं घूम भी सकूँ बच्चों के साथ। तो काफ़ी सोचने के बाद मैंने कहा चले एपिसोड की शक्ल दे देते हैं इस व्लॉग को। आज स्टार्ट लेते हैं हम पाकिस्तान का जो नेवी म्यूज़ियम है, मेरी टाइम, जिसे असारुल बहरिया भी कहते हैं। तो हमने कहा कि आज बच्चों को वो जगह भी विज़िट कराएं और वहाँ कुछ देखेंगे, फूड कोर्ट वगैरह हैं, वहाँ कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं तो वो खाते पीते हैं। इस वक्त मेरे साथ बच्चों में जो है वो मरहबा और सफ़ा फ़िलहाल शामिल हैं और थोड़ी देर में हमारे साथ अहियान भी शामिल होने वाला है, क्योंकि अहियान इस वक्त अपनी नानी के यहाँ है। तो हम अभी जा रहे हैं, सबसे पहले अहियान को पिक करेंगे और अहियान को पिक करने के बाद फिर हम जाएँगे अपनी मंजिल की तरफ। तो चलिए आपको दिखाते हैं जी। सबसे पहले तो आगे दिखाएं, हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हैं, बत्ती नहीं है, ट्रक के पीछे लगे हैं। तो ये इस वक्त कराची के रोडों का हाल है। आप कराची के रोड पे दो मज़े ले सकते हैं, एक ऑफ रोडिंग का और एक कराची के ये बिना बत्ती वाले ट्रकों का। पहुंच गए हम इस वक्त अहियान की नानी है घर के बाहर खड़े में, अहियान साहब का इंतज़ार हो रहा है। वो अहियान साहब भी इस वक्त जो है ना सेठ हाबिद हुए हैं, उन्होंने हमें लाइन पे लगाया हुआ, कहा बाहर रुक जाओ, साहब आ रहे हैं तैयार हो गए। हम साहब के इंतज़ार में भी खड़े हैं अहियान साहब के। ये अहियान आ गया अपने बाबा के साथ मोटरसाइकिल पे। भाई आ गए अहियान साहब, कहाँ है भाई, शक्ल तो दिखा दे अपनी अहियान। ये इसकी शक्ल ले लो, आए कर दे, मुँह क्यों छुपा रहा है, शर्मा क्यों रहा है भाई, अहियान शर्मा क्यों रहा है। देखो अबे तुझे ले जाया तुम्हारी दादी के घर, तेरी बात थोड़ी पक्की कराने जा रहे हैं। अहियान साहब की शर्म ही नहीं खत्म हो रही भाई। चलें जी, हम तो चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुआ पढ़ लो भाई सारे। सुभानल्लज़ी सख़्ख़रा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ अरबी चाचू यहाँ गाड़ी चला रहे हैं और सामने देख सकते हैं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं सामने देख सकते हैं, कहाँ जा रहे हैं चाचू को भी देख सकते हैं, वो गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा गुड बाय गया, टाटा गुड बाय गया, अल्लाह हाफिज़, टाटा गुड बाय। भाई ये अहियान अपनी जैकेट तो सही पहन ले भाई, क्या ऋतिक रोशन बना हुआ है तू, अच्छा लग रहा है। इस वक्त असारुल बहरिया और मेरी पार्टी मेरे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी देखते हैं, काफ़ी साल बाद आ रहा हूँ, कोई 15-20 साल बाद, 15 साल तकरीबन हो गए मुझे यहाँ आए हुए, 15 साल बाद यहाँ आ रहा हूँ, देखते हैं क्या चेंज हुआ है, क्या नया हुआ है। तो बाकी अंदर चल के आपको बताते हैं, टिकट लेते हैं पहले, फिर टिकट लेके आपको अंदर चल के बताते हैं क्या सीन है क्या सीन नहीं है। भाई सीन ये हो गया, ये टिकट ले लिए हमने, हम पांच बंदे हैं जिसमें से एक अहियान साहब है हमारे साथ, एक सफ़ा है और एक मरहबा है। सीन ये हो गया कि हम पहुँचे हैं 10:30 बजे और भाईजान का कहना था गेट वाले के भाई 15 से 20 मिनट हैं आपके पास, 15 से 20 मिनट का जितना घूम सकते हो घूम लो, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। तो अब यार 15-20 मिनट में हम क्या देखेंगे, इतनी बड़ी जगह है, 28 एकड़ पर ये जगह है, इसमें हम क्या देखेंगे, क्या एंजॉय करेंगे। तो चलें जो देख सकते हैं वो तो देखें, भूख भी लग रही है तो उसके बाद जी बाबा, हाँ बोल लो, इसकी सुन लो यार, खा लेते
बस इनको कह रहे हैं हमें म्यूजियम में नहीं जाना, म्यूजियम हमने देखा था और अब हमने झूला झूलना है। चलो झूले की तरफ चलते हैं। हिल रहा है साथ साथ चलो। मरहबा अयान, सेंट्रल टिकट ऑफिस भाई, झूलों के जितने भी यहाँ पे राइडें हैं उनके टिकट यहाँ से मिलते हैं। मरहबा, कौन सा झूला झूलना है? चक्कर आएंगे, झूल लोगी? कौन सा, ये झूला? नहीं वो वाला। कौन सा वाला भाई? इनकी फरमाइश थी ये वाला झूला झूलना है, चार टिकट ले लिए मैंने। आ जाओ बेटा, अब पता चलेगा तुम लोगों को। ये लो पकड़ो अपना टिकट पकड़ो। दो अंकल चार हैं, देखना गिर नहीं जाए, चारों तुम चारों के। एक मर्तबा बैठी थी इसने, अरबी जाती मैं और सफा बैठ जाते हैं। अब ले लो, उसमें बैठना है। मैं अकेला बैठूंगा। होशियार नहीं बनो, अकेला बैठूंगा। किसी के साथ, सफा के साथ बैठो या चाची के साथ बैठो, उसको अपने साथ बैठो, या तुम चारों एक ही जगह बैठ जाओ ना। अच्छा चलो जाओ तुम, अयान इधर आओ, साथ बैठो चारों। अरे कहीं भी बैठो, घर की गाड़ी थोड़ी है, झूले पे बैठे आए हो तुम लोग। इधर भी इनकी बारी चल रही है, मैं आगे बैठूंगा, मैं पीछे बैठूंगा। चलो टाटा टाटा तो कर दो इधर। वाह टाटा गुड बाय। क्या रिव्यू दे दो अब, झूले में बैठे ना, झूले मजा आया। लकड़ी की कोनी है, सफा की? सफा की कोनी भाई। इधर हमारे अयान साहब के साथ हादसा हो गया। क्या हुआ, दिखा दो सही, आंख तो दिखा दे तू। अच्छा आंख पे लग गई अयान साहब के, और लगी किससे? सफा की कोनी से। अयान ओए अयान यार, तू बात बात पे ये जैकेट ही उतार लेता ना, ये काम खराब होता है। अच्छा बात सुन, वो मिनिस्टर साहब जैकेट टंगा के क्यों चल रहे हैं हाथ में? आराम अयान, या फिर जैसे फड्डा हो जाएगा, ऐसे भागा मत कर, दूर साथ साथ रहे, दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। यार सीन हो गया, हम आए थे लेट, तोड़ना नहीं फूल को बेटा, बिल्कुल भी नहीं। सीन ये हो गया, बच्चों की बड़ी ख्वाहिश थी घूमने की, लेकिन हम आए लेट, 5 से 10 मिनट हम अंदर गए होंगे, सिर्फ एक राइड ली है और पीछे से ऐलानात होना शुरू हो गए जी, पार्क बंद हो गया है, बराए करम बाहर निकलें। अब बाहर जा रहे हैं, भूख भी लग रही है भाई। एक दफ़ा बोलो लेना क्या, अंकल को बताओ कौन सा रेट लेना है। तुमने 3 दफ़ा अंकल से उतरवा के वापस रखवा दिए, बोलो। ऐसे की बात बताऊँ, ये किसने दिलाया पता है आपको? मेरी बेगम ने भाई, माशाल्लाह पैसा आ गया आपके। यार ये बड़ी खूबसूरत दुकान लग रही थी, इधर शॉप पीस वगैरह बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही थी बाहर से, देखते हैं इसमें हमारे हमें कुछ समझ आता है। ये नेवी वाला, ये भी नेवी वाला, ये मालपुर वाले, ये एक दे दीजिएगा भाई। भाई सीन ये हो गया कि हम आए थे लेट, हम घूम नहीं सके, एक राइड लिए सिर्फ, और पीछे से ऐलान होना शुरू हो गया, अनाउंसमेंट होना शुरू हो गई जी, पार्क खाली करें, पार्क बंद होने का टाइम हो गया, अब क्या करें, हम बाहर आ गए। अब जा रहे हैं हम कहाँ जाएँ, चलें गोलाकंडा स्ट्रीट चलते हैं, भूख भी लग रही है, वहाँ कुछ खाते हैं, चटपटा फूड स्ट्रीट कुछ खाते हैं, ठीक है, स्ट्रीट फूड खाते हैं, फूड स्ट्रीट नहीं खाते, स्ट्रीट फूड खाते हैं, चलें। भाई अयान तो बोर बोर लग रहा है, अयान क्या हुआ? अयान कह रहा है पहले ले गए गए पार्क, पार्क बंद, फिर लेके जा रहे थे गोलाकंडा स्ट्रीट, चले गए कहीं और, क्या हुआ है? नींद आ रही है। सफ़ा क्या सीन था? आई एम बोर्ड। भाईजान सीन ऐसा हो गया कि भाई हम ना मेरी टाइम पूरा घूम सकें,
फिर वहाँ से गोलाकंडा स्ट्रीट जाने का फैसला हुआ, वहाँ भी नहीं जा सके। अब घूम फिर के हमारी गाड़ी आके रुकी कराची ब्लॉक पे। अब ऑर्डर दे दिया है, पिछले कुछ 10 मिनट हो गए, यहाँ भी जो है ना अभी तक हम इंतज़ार में बैठे हैं। तो आज हमारे नसीब का हमारा नसीब आज पांडू चल रहा है, बहुत हमारी सारा चीज़ पांडू पांडू चल रही है। और अयान की ख्वाहिश थी कि आज के व्लॉग का इंट्रो जो है ना वो मैं करूँगा। चलो अयान बिस्मिल्लाह। भाई ये ऐसा सीन है कि हम आ गए कराची। भाई मेरी कुर्सी गिर रही है। अच्छा मैं एक मिनट इसका अपने खाने का इंट्रो दे दूँ। कराची ब्रोस्ट आ गए हम, गोलाकंडा स्ट्रीट हमने छोड़ दी। यहाँ हमने एक डील मंगवाई है, डील हमें मिली है कोई है 1950 रुपये की गालिबन ये डील हमें मिली है। और इसमें 2 बर्गर हमें मिले हैं, फ्राइज़ मिली है, एक ये हॉट विंग हॉट शॉट मिले हैं, और ये क्रिस्पी फ्राइड चिकन मिला है, और सॉसेस मिले हैं, और ये जायरो मिला है। तो चलें टेस्ट करते हैं, पर टेस्ट करके आपको बताते हैं कि क्या सीन है। ये हम इसके लिए जो है हम 4 बंदे हैं इसको खाने के लिए। हमें खाना खाने के बाद थोड़ा सा जो ना सुर सुन लें। गाड़ी भी आ गई हमारी और सुर भी हमने सुन लिया। लाइट नहीं खोली, मैं ऐसे बातें कर रहा हूँ सारी। चलें जी खाना वाना खा लिया। इतना डगारे आ रही है ना, अब आंखों के सामने रोशनी भी आई है। और अब रिवायती चाय जो हमारी है वो पीने का दिल कर रहा है, वो चाय पीने चलते हैं। चाय पीने के बाद फिर मिलते हैं आपसे। चलिए जी चाय पीते हैं। हम आ गए अपनी रिवायती चाय की तरफ, जो क्वेटा आलमगीर होटल की चाय है, आलमगीर रोड भादुराबाद की तरफ। और हमने अपनी चाय मंगा ली है। चाय पीने के बाद अपने व्लॉग का इख्तिताम करेंगे। व्लॉग के अंदर कुछ अच्छा लगा हो बुरा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारा कमेंट बॉक्स आपकी राय के लिए मुंतजर है। और किसी ने अपनी कोई राय देनी हो, मुझे ईमेल करना हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस मौजूद है, वहाँ से मुझे ईमेल करके कॉन्टेक्ट कर सकता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। भाई ये लोग काफ़ी देर से घूम घूम, उनका पड्डा शुरू हो गया। क्या क्या चल रहा है, क्या सीन है? गेमों पे लड़ाई हो रही है। क्या लड़ाई हो रही है? गेम खेलने नहीं दे रहा है। मेरा अपना मोबाइल है, खेलने नहीं दे